मरते जगत में आए और हर घर घर में गए, सबसे पूछा सब कुशल मंगल है ना, ठीक ठाक है, तो क्या करने ले रही है। इसलिए नारद जी हर घर घर में जाकर के प्रश्न किया, सब कुशल मंगल है ना घर में, ऊपर तो सब सिर ही लाया, लेकिन अंदर से जब नारद बोले प्रभु जी जब तक जीव आपको भक्ति नहीं करे, आपकी सेवा पूजा नहीं करते, तब जीवन में सब सुखी रह ही नहीं सकते, आपकी भक्ति से ही सुखी रह सकते हैं।
इसलिए आप कृपा करके थोड़ी सी जीवों को अपना सेवा दो, आपकी सेवा से ही जीव सुखी रह सकते हैं। भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में हूं ना। नारद जी ने बोले प्रभु वैकुंठ किसने देखा? परमात्मा। वो इसके अंदर में आसक्ति नहीं होते, इनका स्वरूप में वो केवल देख रही है। कहते वो कौन है? बोले ये परमात्मा, ये सबके हृदय में परमात्मा रूप में ठाकुर जी का निवास। अब साक्षात ठाकुर जी है, ठाकुर जी ये साक्षात रूप में विद्यमान है। इसलिए आपको एक दो घटना में सुना था कैसे ठाकुर जी वो साक्षात रूप में बोलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं। बोले एक समय दो ब्राह्मण थे, एक बड़ा ब्राह्मण वृद्ध और एक जवान। ये दोनों ब्राह्मण तीर्थ घूमने के लिए गए। सारे तीर्थ घूम घाम करके सिर्फ वृंदावन में एक गोपाल जी का मंदिर था, रात को वहीं पर आकर के विश्राम किया। वो जो बूढ़ा ब्राह्मण था है, वो इतना प्रसन्न हो गया वो बात छोटा ब्राह्मण के ऊपर में। बोले अगर तू नहीं होता है ना, मैं कभी ये तीर्थ भ्रमण नहीं कर सकता था। तेरी वजह से मैंने सारे तीर्थ भ्रमण किया। देखो मैं तेरे ऊपर में प्रसन्न हूँ। मेरे घर में एक बेटी है, मैं चाहता हूँ मैं जब घर में वापस जाऊँगा मेरी बेटी से तेरे को मैं शादी करा दूंगा। वो जो जवान ब्राह्मण था बोले देखो आप मेरे पिता के बराबर हो, आपकी बेटी को शादी करने के लिए मैंने मदद नहीं की। आप ब्राह्मण देवता पिता तुल्य हैं, बुजुर्गों को सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए आपकी हमने सेवा की, इसलिए आपकी बेटी की शादी करने के लिए नहीं की। देखो आप तो कह रहे हो बेटी को शादी दोगे, आपके घर वाले राजी नहीं होंगे, क्योंकि यद्यपि हम दोनों ब्राह्मण हैं, आप उच्च कोटि के ब्राह्मण, मैं नीचे कोटि का ब्राह्मण हूँ, आपका परिवार राजी नहीं होंगे। ब्राह्मण का बेटी मेरी है और मैं दूंगा, मेरे को बोलने वाला कौन है? बोले अगर घर में जा करके फिर नहीं दिया तो बोले ठाकुर है ना, गोपाल जी का मंदिर था। बोले ठाकुर ना, ये ठाकुर को मैं साखी करके बोलता हूँ, जब मैं घर में वापस जाऊंगा अब मैं जरूर बेटी को शादी दूंगा। वापस आए वो जगन्नाथपुरी के वृंदावन से वापस आए। जब वापस आए अभी बड़ा ब्राह्मण अपना परिवार को बुलाया, बोले ऐसे ऐसे बात है। परिवार बोले अगर हमारा बहन को उसको शादी दिया ना, हम जहर खाकर मर जाएंगे। हमको पता नहीं वो छोटे जाति का ब्राह्मण, हम उच्च कुल का ब्राह्मण, हमको पता होगा। अभी तो थोड़ा ढीली लाली होगी, पहले के कैसे नियम था, अपना परिवार के बगैर कहीं बेटी की शादी नहीं देते थे। लव मैरिज तो था ही नहीं, जिसको पसंद किया शादी कर लिया। उस समय पिता माता जहाँ देख करके अपना कुल मर्जिया का हिस्सा उसको शादी कराया करते थे। इसलिए बोले हम जहर खाकर मर जाएंगे, बहन को नहीं देंगे। बोले हमने जो ठाकुर जी को सामने मैंने प्रतिज्ञा की, बोले ठाकुर पत्थर, ठाकुर थोड़ी बोलते हैं, वो तो पत्थर है, हैं? वो थोड़ी ठाकुर जी साखी देने के लिए आएंगे। लेकिन ये वृद्ध ब्राह्मण को पूर्ण विश्वास था ठाकुर जरूर साखी देंगे, ठाकुर जी जरूर साखी देंगे। अभी वो चुप हो गया। बच्चों ने कहा अगर वो बोले ना शादी करने के लिए इतना बोल देना, मैंने क्या बोला था मुझे याद नहीं, फिर हम सब कुछ कर देंगे। वो छोटा ब्राह्मण देखा है तो बात नहीं कर रहे, आकर चुप हो गए। आए बोले क्या बात है, आप बोल रहे थे बेटी को शादी देंगे। इतने में वो ब्राह्मण बच्चों को बच्चे से बोल दिया मेरे कुछ याद नहीं, मैंने क्या बोला नहीं बोला। उनका बच्चे ना डंडे लेकर आए, बोले दुष्ट हमारे पिताजी के पास में बहुत पैसा था, तुमने तीर्थ में लेकर गया, धदूरा खिलाकर पागल बनाया और सारे पैसा को हड़पा, फिर बहन को शादी करोगे? उनको तो सुजोग मिल गया है, सुजोग मिल गया। उसको तो मारने के लिए दौड़े, वो तो भाग गया वहां से, ग्राम पंचायत को बुलाए और उन्होंने सारी बात को बताया। ऐसे ऐसे इनकी मैंने बड़ी सेवा की, ये खुद बोले मैंने नहीं बताया, उन्होंने खुद वहां पर ठाकुर को साखी करके बोले मैं बेटी को शादी दूंगा और इधर आकर मुकरते हैं। आप बोल रहे हो कैसे? जब आप बोलते हो फिर आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो वो जो वृद्ध ब्राह्मण है ना वो तो चाहता है लेकिन उसका परिवार नहीं चाहते हैं, नहीं तो फिर हम दोनों झूठे हो जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी आपको चलना पड़ेगा। वो भक्त था, ठाकुर जी बोले ठीक है मैं चलूंगा, एक काम करो 1 किलो खिचड़ी बना करके मेरे को खिला है,
इतना दूर जाना पड़ेगा वृंदावन से चलते चलते। उन्होंने एक किलो चावल का खिचड़ी बनाया, ठाकुर को खिलाया तो पूरा ठाकुर जी एक किलो चावल का खिचड़ी पूरा खा लिया ठाकुर जी। बोले देख बेटा मैं जब चलूंगा ना तो मोड़ करके नहीं देखना। बोले मेरे को पता कैसे चलेगा आप चल रहे हो। बोले मेरे प्यार में नुपुर बांध दो, नुपुर की छम 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 आवाज आई, इससे तुमको पता चलेगा ठाकुर जी आ रहे हैं। ठाकुर जी चलते 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 वृंदावन से कटक तक आए। अगर आप कभी जगन्नाथपुरी गए होंगे उसको पहले कटक पड़ता है, कोई नदी पड़ती है जिसमें बहुत सारी रेती रेती होती है। अभी ठाकुर जी का चरण रेती में धंसते गया, धंसते गया तो नुपुर का जो छमछम छमछम आवाज आ रही थी ना, अभी उनको देखो जब छमछम आवाज आ रही थी अभी वो आवाज धीरे धीरे बंद होते गया। बोले भैया क्या बात है, ये आवाज बंद क्यों हो गई, अभी तक तो आवाज आ रही थी। बोले मोड़ करके देखो। ठाकुर जी बोले मोड़ करके देखो तो मैं जाऊंगा नहीं, अगर ठाकुर जी नहीं गए तो। बोले कोई बात नहीं हम पास में आ गए, अगर नहीं जाएंगे ना फिर मैं बुला करके सबको ले जाऊंगा। उन्होंने मोड़ करके देखा, वृंदावन से गोपाल जी चलते चलते यहाँ तक आए हैं। सारा दुनिया जब सुने वृंदावन से ठाकुर चल चल कर गए, सारा दुनिया देखने के लिए ठाकुर जी के आए हैं, राजा रानी सबके सब आए देने के लिए। और सबके सामने ठाकुर जी साखी दिया, हाँ ये ब्राह्मण ने मेरे को साखी करके बोला था अपना बेटी को उसको शादी देने के लिए, लेकिन ये परिवार का दबाव में आकर के अभी वो मुकर रहा है, लेकिन उन्होंने मेरे को साखी करके बोला है। वो वृद्ध रामायण ठाकुर जी को मन मन में प्रार्थना कर, ठाकुर जी मेरे को झूठा मत बनाया करो, हम जरूर मेरे को विश्वास आप आओगे, क्योंकि बच्चे मेरे को बेटी को शादी देना नहीं चाह रहे हैं, मैं तो चाह रहा हूँ, क्यों आपको मैंने साखी किया ना, आपको मैंने साखी किया ना, ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहे थे। ठाकुर जी साखी दिया, फिर उनकी बेटी को साथ में उसकी शादी हुई। अभी राजा रानी दोनों देखने के लिए गए थे, रानी बड़े भक्तिमती थी, रानी के पास में एक हीरे की बेसन था। वो मन मन में सोचा बड़े सुंदर ठाकुर है, अगर ठाकुर का नाक में छेद होता है ना, मेरे पास में जो हीरे की बेसर उसको मैं ठाकुर को पहना देती। उन्होंने मन मन में केवल सोच करके गई। जब रात को सो गई ठाकुर जी सपने में आए, बोले महारानी आपकी मन में इच्छा है मेरे को हीरे की बेसर पहनाने के लिए ना, मैं जो बच्चा था ना मेरी मैया जसोदा ने मेरे नाक में एक छोटा छेद करके रखा था, अभी भी मेरे नाक में वो छेद है, लेकिन वो धूल से जम गया है, बंद हो गया, और वो बेसर लेकर के आओ और उसको थोड़ी सी मिट्टी को हटाना, देखना अभी भी छेद है। रानी तो आश्चर्य में पड़ गई, राजा को उठाए, बोले राजा उठो उठो। बोले क्या बात है, बोले मैंने मन मन में ये चीज सोचा था, ठाकुर जी मेरे मन की बात समझते हुए मेरे को स्वप्न दिया, अभी भी मेरे नाक में वो छेद है, और आ करके मेरे को सोने की बेसर पहनाओ, हीरे की बेसर पहनाओ, चलो हम चलते हैं। राजा रानी वो हीरे की बेसर लेकर के आए, और सचमुच से जब थोड़ी सी हटाया ना, देखा उनके नाक में छेद है, फिर उन्होंने ठाकुर जी के नाक में वो हीरे की बेसर पहना दी, हीरे की बेसर पहना दी, ठाकुर जी को ग्रहण किए। लेकिन पहले ठाकुर कन्या अकेले थे, राधा जी नहीं थी, अभी राधा जी के बगैर कृष्ण का मन कहाँ लगे है, उनका मन ही नहीं लग रहा है, अकेले अकेले कृष्ण है, वो अकेले राधा के बगैर कृष्ण आधा है, वो आधा है, इसलिए कहले मेरे को अकेले अकेले खड़े कर दिए मेरी राधा राय, अभी कृष्ण चाहते मेरी राधा जी मेरे पास में आ जाए। बोले कैसे आए, अभी राधा जी की अंश से जो पुजारी था ना उसकी बेटी बन करके राधा रानी आ गई, राधा रानी के अंश से वो बेटी रोज रोज ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर फूल की माला बनाती, माला बना करके ठाकुर जी को रोज देती है, ठाकुर जी और राधा रानी के हाथ की माला रोज पहनती है, और उस अच्छी अच्छी राधा जी के अंश में ना वो राधा जी के हाथ बगैर किसका हाथ का खाना नहीं खाते है कृष्ण, वो रोज रोज बढ़िया बढ़िया चकाचक है मालपुआ मिठाई रसमलाई बना बना करके ठाकुर जी के लिए भेजती है, ठाकुर जी खाना खाते हैं। अभी क्या हुआ, ठाकुर जी रात को जो मंदिर में सुलाते हैं ना, ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोते हैं, वो रात को उसको बेटी को पास में ठाकुर जी सोते हैं,
एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी सो रहे थे उसकी बेटी के पास में, अभी उसको पिताजी पुजारी, वो आया ठाकुर जी का दरवाजा खोलने के लिए। नियम है जब हम पट खोलते हैं ना, झट पट नहीं खोल देनी चाहिए, ताली बजाओ नहीं तो कोई घंटी बजाओ, क्यों, ठाकुर जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं है नियम है। पुजारी आया, आकर उन्होंने बेल बजाया, बेल बजाया तो ठाकुर मंदिर में है ही नहीं, ठाकुर तो उसकी घर में बेटी को पास में सो रहे हैं। जब उन्होंने दरवाजा को खोलने के लिए बेल बजा करके, ठाकुर जी ने देखा भैया तो मंदिर खोलने जा रहे, मैं तो यहाँ सो रहा हूँ। ठाकुर जी जल्दी जल्दी वहां से आकर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए, आते समय उनकी जो सोने की बंसुरी थी ना, वो बंसुरी को ठाकुर जी वहीं छोड़ कर आ गए। जो पुजारी दरवाजा खोला, देखा ठाकुर जी को हाथ में सोने की बंसुरी नहीं, पुजारी को हल्ला मचा दिया, बोले ठाकुर जी की सोने की बंसुरी कहीं चोरी हो गई, राजा सियाट लगाए। बोले महाराज ये बंसुरी तो वो पुजारी की बेटी को घर में मिली, ये पुजारी स्वयं चोरी करके ले गया और हल्ला मचा दिया, ठाकुर जी सोने की बंसी चोरी हो गई। राजा ने बोले उसको जेल में मिला, दुष्ट पुजारी ठाकुर का सोने की बंसी चोरी की, जेल में बंद कर दो उसको। अभी उसको जेल में बंद कर दिया, ठाकुर जी ने देखा तो गड़बड़ी हो गई, मेरे ससुर साहब को जेल में बंद हो गए, मेरे ससुर जी जेल में बंद हो गए, मैं इन्हें छोड़ कर आया किसको पता नहीं। फिर ठाकुर जी स्वप्न देते हैं राजा को, बोले महाराज आप तो मेरे को यहाँ अकेले खड़े कर दिए, राधा के बगैर मेरी मन ही नहीं लगता है, हैं? इसलिए मेरी जो राधा की अंश में वो पुजारी की बेटी आई है, वो बेटी नहीं वो राधा जी के अंश से जन्म हुई है, मेरे को तो आप यहाँ सुलाते हैं, मैं जाकर के रोज राधा जी के पास में मैं सोता था, अभी पुजारी जब दरवाजा खोलने के लिए गए मैं सो रहा था वहां पर, अभी जल्दी से जल्दी आए तो हमने वहां बंसुरी को छोड़ करके आ गए, इसलिए वो बंसुरी ब्राह्मण ने नहीं चोरी की, ये बंसुरी मैंने स्वयं वहां छोड़ करके आया हूँ, जाओ उसकी जो बेटी है ना वो तो मेरी राधा जी के अंश से जन्म हुई है, मेरी जितने गहना है हैं वो सारे गहना बुलाओ, और वो जो लड़की को दुल्हनी बनाओ और उसको पालक में बैठाओ और गाजे बाजा को साथ में ले आओ और मेरे से शादी कराओ। राजा तो स्वप्न देख कर गहरा, जा करके दरवाजा खोले, ब्राह्मण का माफी मांगी, आप इतने महान हैं, सब राधा रानी आपकी बेटी बन करके आई, ठाकुर का ससुर लगते हो, आपको मैंने अपराध कर दी, जेल में बंद कर दी, और उन्होंने उनकी बेटी को दुल्हनी बनाई और पालक में बैठाई और गाजा बाजा को साथ में मंदिर में लाए, और मंदिर में प्रवेश करते ही ना दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर जब दरवाजा खोल कर देखते हो बेटी अंदर में है ही नहीं, तो बेटी है ही नहीं, गायब हो गई, फिर उन्होंने राज में खड़ी कर दिया है। इसलिए तब से वो ठाकुर जी का नाम पड़ा साखी गोपाल, साखी गोपाल। पूरी गए हो, कौन पूरी गए, और कौन पूरी पूरी गई रही है भगवान, एक दो गोप को पूरी कौन जाना चाहते हैं आप, अब हम ले जाएंगे एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा में ले जाएंगे। ठीक पूरी से पहला जो स्टेशन है वो स्थान का नाम साखी गोपाल है, पूरी से आगे को स्टेशन साखी गोपाल है, वो ठाकुर जी का नाम पर बड़ी बहुत बड़े ठाकुर कृष्णमूर्ति बहुत बड़े, हमसे भी ज्यादा लंबा हो गए ठाकुर जी हैं, अभी वो साखी गोपाल उनके पास में श्री राधा रानी। इसलिए ये जो ठाकुर जी है वो ठाकुर नहीं, वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं मैया जसोदा जैसे तुम, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल भगवान है, भक्त के लिए सब, नास्ती के लिए नहीं। जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद बोले तेरे भगवान कहाँ है, बोले बताओ तो मेरे भगवान है ही नहीं कहाँ तो बताओ, बोले खंभे में क्या है, साक्षात भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी बैठे, और ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर मुस्कुरा रहे थे, बोले तेरे भगवान को पहले दिखाता हूँ तेरे को बाद में दिखाऊंगा,
मारे मुष्टि के साथ तो खंभा फट गया और ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले से नरसिंह भगवान की जय। इसलिए दुष्टों के लिए ठाकुर नहीं है लेकिन भक्तों के लिए ठाकुर जी। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास करके ठाकुर जी को ठीक से हम सेवा पूजा करनी चाहिए। ठीक है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। ठाकुर का श्रृंगार की कि नहीं, क्या कर रहे हो गया? हाँ जल्दी जाकर ठाकुर को श्रृंगार करके ना इधर ले आ, फिर हम मंत्र पढ़ करके नहीं करते। बोले जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण गोविंद Govinda, 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 Govinda
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण करो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 गोरा जय जय गोराम जय जय गोराम जय गोराम जय 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 गोराम जय जय गोराम जय गोराम जय गोराम जय गोराम जय गोराम जय गोराम जय hare ram hare ram 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 hare 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 ram hare ram 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 hare hare bola hare krishna hare krishna 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 hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare